नमस्कार, मैं हूं जिया और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के सागर जिले में कलेक्टर कार्यालय परिसर स्थित 700 वर्ष पुराने कल्प वृक्ष के नीचे स्थापित देव प्रतिमाओं को रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से उखाड़ हटाने की कोशिश को धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के विरोध के चलते रोकना पड़ा। गुरुवार रात को कलेक्टर कार्यालय में तैनात एक अधिकारी के आदेश पर कुछ कर्मचारी और मजदूर कल्प वृक्ष के नीचे स्थित चबूतरे से प्रतिमाओं को खोदने की कोशिश कर रहे थे। खबर लगते ही धार्मिक और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में जमा हो गए और हंगामा की स्थिति बन गई। करीब 2 घंटे तक शहर भर के सामाजिक कार्यकर्ता धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली हरकत को लेकर नाराजगी जताते रहे। स्थिति बिगड़ती देख परिसर में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। लोगों को समझाने के लिए SDM अखिलेश जैन, एडिशनल SP प्रवीण भूरिया और अन्य अधिकारियों भी मौके पर पहुंचे। लोगों में इतना आक्रोश था कि अधिकारियों को उनकी खरी खोटी सुननी पड़ी। लोग कलेक्ट्रेट परिसर स्थित प्राचीन कल्प वृक्ष को नुकसान पहुंचाने की आशंका से इतने नाराज थे कि उन्होंने अधिकारियों पर सवाल दागने शुरू कर दिए, लेकिन अधिकारी उनका जवाब नहीं दे सके। लोगों का कहना था कि कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर जैसी सुरक्षित और कवर्ड जगह में इस तरह की धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कोई कैसे कर सकता है। यदि प्रशासन किसी वजह से प्रतिमाओं को विस्थापित करने वाला था तो इसे रात के अंधेरे में क्यों किया जा रहा है। लोगों से चर्चा कर यह काम दिन में भी हो सकता था। मामला बिगड़ते देख अधिकारियों ने लोगों को आश्वस्त कर शांत कराया। बताया जा रहा है कि ऐतिहासिक कल्प वृक्ष के नीचे बरसों पहले श्रद्धालुओं द्वारा प्रतिमाओं को स्थापित किया गया था। यहाँ शहर भर के लोग पूजा कर अर्चना करने पहुँचते हैं। प्रतिमाओं को विस्थापित कराने के लिए तोड़फोड़ करने से लोगों की भावनाओं आहत हुई हैं। उधर अधिकारियों का कहना था कि चबूतरे पर अनधिकृत रूप से रेलिंग लगाई जा रही थी, जिसे रोकने और हटाने के लिए ही वहां पर मजदूरों को भेजा गया था, लेकिन वहां मौजूद लोगों को रेलिंग लगाने जैसे कोई भी काम नजर नहीं आया। ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। हिंदूवादी संगठनों की क्या आवश्यकता पड़ गई मंदिर बटाने की? यहाँ जो एक छोटा सा मंदिर स्थापित था उसको ऊपर कुछ स्टील का फ्रेम वगैरह लगा के कवर कर लिया था, जिसको हटाया गया था और उसी के वो लेकर के कुछ विरोध प्रदर्शन हुआ, तो उन सबसे चर्चा की गई है और चर्चा के बाद उनकी आपत्तियों समाधान का निराकरण कर दिया गया है, तो सब सहमत। सर, इसमें एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो हिंदू संगठनों की मांग है कि रात के अंधेरे में इसको क्यों हटाया जा रहा था, वो उसके लिए देखा जाएगा कि ऐसा क्या। हनुमान जी की प्रतिमा है पीछे, उसको हटाने की कार्रवाई अपर कलेक्टर अखिलेश जैन के निर्देश पर की जा रही है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? हम लोग तो सिविल लाइन पे खड़े थे, अचानक से खबर मिली कि 700 साल पुराना कल्प वृक्ष यहाँ पर है और उसके नीचे कई सौ साल पुरानी बजरंग बली की मूर्ति स्थापित है। अचानक से रात में आप उसकी खुदाई करवा रहे हैं और उसको हटा रहे हैं, तो क्यों हटा रहे हैं? ये एडिशनल कलेक्टर हैं अखिलेश जैन, यहाँ पर कर्मचारियों ने बताया कि उनके आदेश पर इसको हटा रहे हैं। मैंने उनसे बात की तो वो बोले कि आपको क्या आपत्ति है। मैंने कहा मुझे आपत्ति है, ये कई सौ साल पुराना हमारा आस्था का केंद्र है और आप इसको क्यों हटा रहे हैं? ना तो ये बीच सड़क पे आता है, ना आपकी कोई वाहन अवरुद्ध हो रहे हैं आने जाने में, तो फिर आपको इसको बोले कल आप हमारे ऑफिस आइए। हमने ऑफिस में क्यों, आप अभी बात कीजिए, उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया। यदि यहाँ से ये मूर्ति विस्थापित की गई और किसी भी प्रकार की छेड़खानी यहाँ पर की गई तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर तमाम शहर में ऐसी कई मजारें भी बनी हैं और बीच रोड पर मस्जिदें भी बनी हैं, तो आप यदि कार्यवाही एक पक्षीय कर रहे हैं तो ये हम होने नहीं देंगे। फिर तो विश्वविद्यालय में जैन स्तंभ भी बना है और कटरा में बीच रोड पर मस्जिद भी बनी है। यदि आपको बजरंग बली के मंदिर से आपत्ति है तो फिर हमें सारे उन धार्मिक स्थानों से आपत्ति है जो बीच रोड पर आवागमन अवरुद्ध कर रहे हैं, और आप ये रातों में चोरों की तरह क्यों खुदाई करवा रहे हैं? आप दिन में सार्वजनिक सहमति से इस बात को करते कि भाई हमें ये आपत्ति है, रात के 8:30 बजे आप आके 4 मजदूरों को लेकर खुदाई करवा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई जैन साहब हो चाहे कोई भी हो। ये मेरा निवेदन है और चेतावनी भी है प्रशासन को। धन्यवाद।